अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। इस टाइम हो रहे हैं सुबह के 7 बज रहे हैं और छोटी बहन का पेपर है तो मैं उसे लेके जा रहा हूँ। अब रास्ते में भी आपको दिखाता हूँ और नींद भी आ रही है क्योंकि आदत सी हो गई है शहरी के पास सोने की, तो पहले उसका पेपर दिलवाते हैं फिर आके ही सोएंगे। गया है बस तैयार, अब छोटी बहन के तैयार होने का इंतज़ार है। जैसे वो तैयार होती है तो निकलते हैं। मैंने गाड़ी निकाली है बाहर, बस उसका इंतज़ार है, जैसे वो आती है फिर हम निकलते हैं। ये बस निकल चुके हैं, बारिश थोड़ी सी हो रही है, निकलते हैं और फिर रास्ते में आपसे मिलते हैं। भाइयों हम निकल पड़े हैं, बैरी टाउन अंदर हो गए हैं। इसका कॉलेज है DHA में, तो DHA की तरफ निकलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ से लेफ्ट होके और फिर आगे जाके DHA शुरू होता है, तो तकरीबन 14 किलोमीटर बनता है बैरिया से DHA, यानी हमारे घर से DHA। तो बस पहुँचते हैं इसके कॉलेज और फिर आप लोगों से मिलते हैं। जी हम लोग तो पहुंच चुके हैं छोटी बहन के कॉलेज, छोटी बहन जा चुकी है अंदर और उसका घंटे का पेपर है, तो बस मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, उसे पिक करके ही साथ ले जाएंगे, फिर उसे घर ड्रॉप करना है, फिर मैंने आगे कहीं दूर जाना है, तो इसी वजह से मैं वेट कर रहा हूँ उसका। बस घंटा उसका वेट करना पड़ेगा, 8 बज गए 9 बजे उसका पेपर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह 9 बजे के बाद हम निकलेंगे उधर छोटी बहन को करेंगे घर ड्रॉप और उसके बाद मैंने जाना है आगे काम से, तो वो काम बंद करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अभी ये देखें मैं उसके कॉलेज की पार्किंग में खड़ा हुआ, ये DHA, ये सामने DHA, ये बैक पे भी DHA है और इधर भी DHA आता है, ये जहाँ पे उसका कॉलेज है और ये फ्रंट साइड पे भी DHA Phase 2 है। कहना क्या चाहते हो? आगे हम गाड़ी से बाहर, क्योंकि थोड़ी हो रही थी गर्मी, बाहर टेम्परेचर बहुत अच्छा, हवा चल रही है। ये मेन रोड है GT रोड, उस साइड पे गीगा मॉल है और इस साइड पे DHA का गेट है, वो सामने शायद आपको नज़र आ रहा हो। हाँ ये है ना, ये है DHA का गेट। बस जैसे अब 15-20 मिनट रह गए हैं, जैसे सिस्टर आती है तो निकलते हैं। मतलब प्यास लगना शुरू हो गई है क्योंकि एक तो सारी रात सोया नहीं और ऊपर से सुबह यहाँ पे से पेपर दिखाने आ गया तो ना बड़ी हालत ख़राब हो रही है, थोड़ी देर तमीजी है। जैसे गाड़ी में ना सफोकेशन हो रही थी तो मैं गाड़ी से बाहर गया था, और जैसे मैं गाड़ी से बाहर गया, अब देखें बाहर शदीद तेज़ धूप निकल आई है, इसी वजह से मैं गाड़ी के अंदर आके वापस बैठ गया हूँ। अब मैं खान में टाइम देखते हैं, मैक्सिमम 10 मिनट रह गए इसके पेपर ख़त्म होने में, तो इसे यहाँ से पिक करते हैं और घर ड्रॉप करते हैं और फिर निकलते हैं आगे। अब लग रही है प्यास शरीर, नींद भी आ रही है, तो देखते हैं अभी मैं जाता हूँ नहीं जाता, अपने जो मुझे काम था वो करने वो मैं घर पहुँच के डिसाइड करूँगा गर्मी की सूरत हाल देख के, क्योंकि इस गाड़ी में आया हुआ थोड़ा सा मसला, तो देखते हैं अगर पहले अगर ये इसका छोटा मोटा मसला है तो पहले ये सेट करा लेते हैं उसके बाद चलेंगे, वरना फिर अफसारी के बाद ही उधर जाएंगे जहाँ पर मैंने जाना है। चीज़ तो मैं कहना ही भूल गया कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द 1000 सब्सक्राइबर्स मेरे, माशाल्लाह 1000 सब्सक्राइबर्स से प्लस हो गए, तो थैंक यू सो मच टू ऑल जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बढ़ जाएं। हो चुकी है और मैं निकल चुका हूँ घर की तरफ, अभी घर जाता हूँ और फिर आगे जो काम करना है वो करता हूँ। अरे अपना हाथ पीछे करो यहाँ से, आगे जाके काम करता हूँ वो करता हूँ, आप ना तुम बोल लो बोलो। अच्छा आगे बस घर पहुँचते हैं, मैं फिर आपसे सीन ये है कि सुबह जैसे आपने देखा कि मैं सिस्टर को लेके गया था कि फिर मैंने वो अपना काम करना था वो किया, उसके बाद आके मैं सो गया। अभी अफ्तारी के बाद मैं जा रहा हूँ वॉक पे, वॉक से चलते हैं वहाँ पे जाके स्नूकर वगैरह खेलते हैं बैरिया में और वहाँ पे आपसे मिलते हैं। रास्ते में सामान भी मिलेगा उससे भी मिलवाता हूँ और फिर चलते हैं वॉक करने। भाइयों तो मैं निकल चुका हूँ घर से, अभी जा रहा हूँ जहाँ पे एक मिड पॉइंट है जहाँ पे मैं सामान मिलते हैं वॉक के लिए, तो उस मिड पॉइंट तक वहाँ पे जब शाम आता है तो फिर आगे बैरिया की तरफ अपनी कंटिन्यू करते हैं वॉक। अभी ये देखें मैं बस प्लॉट से घर से निकला हूँ, ये प्लॉट से निकल के और इस गली से हो जाऊँगा लेफ्ट और फिर आगे जाके राइट करके हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा, वहाँ पे जाके आपसे तो उसामा भाई आ गए। कैसे हैं उसामा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे सुनी? अच्छा आप क्या प्लान है?
अभी प्लान है, अब स्नूकर जाके गेम खेलते हैं। और क्या प्लान है? हम स्नूकर जाके गेम खेलते हैं, तमीज से गेम खेलेंगे, फिर वो आपको भी दिखाएंगे। तो हम स्नूकर पहुंच चुके हैं, गेम हो गई शुरू, मैं और उसामा भाई खेल रहे हैं, अब देखते हैं कौन जीतता है। खेल इन्हें खेल लेना, वो जब नहीं लग रही। हाँ तो क्या मैं अच्छा, यानी तेरे लिए मैं सारे रूल उसके खराब कर दूं स्नूकर के हैं? क्यों आगे करूं चीटर? चल खेल रोनी सुलेमान। इधर आओ, ये देखो, ये पकड़ो ना कैमरा, ऐसे शॉट खेलते हैं। तो वीडियो ऑन है, ये देखिए जी नहीं गई सारे प्लेयर। थैंक यू केलव। हाँ इसकी देखें शॉट। हुई 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 हुई, ये पकड़े आप मेरी शॉट देखें। मैंने बना दी है ना। हाँ इस तरह नहीं जाती। तुझे क्या हो गया? सामा भाई इतने चीटर हैं कि स्ट्राइकर आगे भी कर लेते हैं, मेरे स्कोर जितने होते हैं वो कहते हैं आपने रोंदी से किए हैं, लेकिन बहुत चीटर है, मानते नहीं है अपनी बात, नहीं मानते। 17 थे, 21, 22 अपनी तरफ से मान लिया आज, क्योंकि आपने फाउल किया था, इसने फाउल किया था, मानता ही नहीं है। आप मुझे बताएं, मुझे बताएं, जब सास को रह जाते हैं तो ब्लैक फाइनल हो जाती है ना। स्कोर थे, एक ब्लैक डाल के कहते हैं मैं जीत गया, मैं जीत गया। 12 स्कोर तेरी जिंदगी में, 12 स्कोर हुए, दो बोले रहती थी, फिर भी ब्लैक डाल के कहते हैं मैं जीत गया। झूठ, तेरे जिंदगी में 12 स्कोर हुए। एक नूब बंदे से ये हारा है और हार के अब चीटिंग कर रहा है और मुझे बोलने नहीं दे रहा है। तेरे जिंदगी में 12 स्कोर हुए कभी? तू झूठ क्यों बोल रहा है? अच्छा तूने कितने फाउल दिए जो नहीं गिने? मैंने एक फाउल नहीं दिया ब्रो, मेरा हाथ इतना पक्का है, तुम्हें क्या पता। अच्छा ये गेम हार के ना फिर ना रोंती डाल ले कि मैं जीत गया। अच्छा भाइयों, हमने स्नूकर खेल लिया, मैं स्नूकर जीत गया, और सामा भाई चिटिंग कर रहे थे कि ब्लैक फाइनल नहीं होती है, अगर 7 स्कोर हो, अगर और मैंने 7 उनका 7 स्कोर हो तो मैंने 7 दो बार पॉट कर दिया, तो इसका मतलब मैं जीत गया, ब्लैक डबल होती है मैं जीत गया, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। एनी हाउ अभी मैं आ गया अपनी गली में, अभी जा रहा हूँ घर, घर जाके चेंज करते हैं। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, तो जैसे ही टाइम फ्री होते हैं उसके बाद निकलते हैं, निकलते नहीं हैं, जाते हैं घर, शहरी का वेट करते हैं, फिर शहरी करते हैं और फिर ब्लॉक प्लान करते हैं। हाँ, और मेरे घर आते ही मेरे दोस्त की कॉल आ गई थी, इस वजह से मैं ब्लॉक कंटिन्यू नहीं कर पाया। अभी मैं आया हूँ, मैं मेरा लैपटॉप खोला है अपना, थोड़ा सा काम करते हैं, काम करके इतने हो जाएगा शहरी का टाइम, फिर शहरी करते हैं और फिर ब्लॉक प्लान करते हैं। शहरी में पता नहीं क्या है, अब पकेगा तो पता चलेगा। मामा और बाबा की दोनों की तबीयत ठीक नहीं है, दोनों को हुआ है टेम्परेचर, जो आजकल वायरल जो पहले मुझे था और मेरे ख्याल में मेरे से मामा बाबा को ट्रांसफ़र हो गया है, तो तबीयत बुखार भी है, खांसी भी है, फ्लू भी हुआ है, इसकी वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हेडेक, बॉडी पेन, वो जो इस वायरल में होता है, तो इस वजह से वो सारे सो रहे हैं, इस वजह से मैं थोड़ा आहिस्ता बोल रहा हूँ। तो अब मिलता हूँ इंशाल्लाह आपसे शहरी का टाइम। शहरी का टाइम हो गया, मैं सो के उठ गया हूँ, मामा और बाबा दोनों को तेज़ टेम्परेचर हो रहा है, तो मैंने उन्हें नहीं उठाया, मैं जा रहा हूँ बाहर से नान वगैरह लेके आता हूँ और फिर आपसे शहरी के टाइम ही मिलता हूँ। अच्छा तो भाइयों, मैं निकल चुका हूँ नान लेने, ये बाइक स्टार्ट कर ली है, अभी दूर से आके नान छान लेते हैं, पहले देखते हैं कि आस पास कोई गाड़ी तो नहीं है, नहीं है तंदूर, ज़्यादा धूम नहीं है, इसी वजह से बाइक पर जा रहा हूँ। ये गली जहाँ पे एंड होती है ना, उसके बिल्कुल लेफ्ट पे जाके तंदूर आ जाता है, तंदूर पहुँचते हैं, वहाँ से दुनिया लेते हैं, तो मामा बाबा छोटी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं शहरी के बाद में इसका पहला मैंने डॉक्टर के लेके मेरा ये प्लान है, तो अभी बस करते हैं शहरी और फिर एक तंदूरी पड़ा। अल्लाह का बहुत शुक्र है भाइयों के तंदूर पे रेस्ट नहीं था, मैं पहला बंदा था तो जल्दी नान मिल गए, अभी बस जाते हैं इसी गली के एंड पे जाके घर आ जाएगा, तो नान ठंडे भी नहीं होंगे, तो बस चलते हैं शहरी का। घर आ चुका था, मैंने शहरी की सारी चीज़ें अपने लिए प्रिपेयर कर ली हैं, दाल है, पीनी है और नान तो मैं ले आया था, तो शहरी करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कोना मेरा पसंद आएगा,
अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल द मोहम्मद शाह को जाकर सब्सक्राइब करें, मेरे इंस्टाग्राम जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर फॉलो करें, मेरी ब्लॉग अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मैं फ्लैश आंखों में पड़ी ना, इस वजह से आँखें बंद।